हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज मैं आपको इस तरह का तोरण पट्टी बनाकर बताऊंगी। तो हमने यहाँ पे देखिए 20 डबल क्रोशिया बुना है, और 20 डबल क्रोशिया बुनने के बाद से मैंने ये तोरण पट्टी बनाया है। तो आगे आइए, आपको बुन कर बता रही हूँ। तो यहाँ स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो हमें इस तरह से 5 बार बुनना है। वन टू थ्री फोर, और इस तरह से एक और हम बुन लेंगे। तो यहाँ पे मेरा 5 डबल क्रोशिया बन गया है। इसके बाद से हम यहाँ पे दो चैन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 6 चेन बुनना है। तो हम यहाँ पे 6 चेन बुनेंगे, और उसके बाद से हमें यहाँ इस तरह से लेना है, और यहाँ पे डबल क्रोशिया 3 बार बुननी है। तो एक हो गया मेरा, और यहाँ देखिए इसे भी निकालेंगे दो। और ये 3, तो इस तरह से बुनना हमें। उसके बाद से हम यहाँ पे फिर 6 चैन बुनेंगे। इस तरह से 6 चैन बुनने के बाद से देखिए फिर वापस हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इस तरह से हमें देखिए 1 2 3 4 अरे इस तरह से 5। उसके बाद से हम यहाँ 4 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4, और इसे टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद से फिर वापस हमें यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बुननी है। उसके बाद से हम यहाँ पे फिर 6 चैन बुनेंगे, और यहाँ पे जो हमने 3 डबल क्रोशिया की बुनाई की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमें फिर उसी में 3 डबल क्रोशिया बुनना है। इस तरह से फिर हम 6 चैन बुनेंगे, और यहाँ से फिर हम 6 चैन बुनने के बाद से हम यहाँ पे फिर 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे।
इस तरह से फिर हम चार चैन यहाँ बुनेंगे। इसे टर्न कर देंगे तो देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन हुआ है। उसके बाद से हम यहाँ पांच चैन बुनेंगे और फिर वापस हमें यहाँ पे पांच चैन बुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने पांच पांच चैन बुना है उस तरह से हर स्टेप में बुनाते जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह से हमें पांच चैन बुनने के बाद से तीन चैन बुनेंगे और तीन चैन बुनने के बाद से जो हमने दो नीचे चैन बुना था वो दोनों को हम बांध देंगे। इस तरह से हमें ज्वाइन कर देना है। फिर वापस हम तीन चैन बुनेंगे और तीन चैन बुनने के बाद से फिर हम यहाँ तीन डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इस तरह से देखिए दो ये तीन, तो इस तरह से हमें बुनना है। फिर वापस हम यहाँ तीन चैन बुनेंगे, एक दो तीन, इस तरह से बुनना है। और फिर हम नीचे वाले दोनों चैन को इस तरह से इसे हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमें ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद से हम तीन चैन बुनेंगे और तीन चैन बुनने के बाद से फिर हम यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया रेडी कर लेंगे। इस तरह से फिर हम यहाँ चार चैन बुनेंगे और इसे टर्न करेंगे और यहाँ पे टर्न करने के बाद से यहाँ पे हम फिर पांच डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इस तरह से हमें बुनना है और उसके बाद से हम यहाँ दो चैन बुनेंगे और यहाँ पे हमें दो चैन बुनने के बाद से हम यहाँ पे एक छोटा सा पफ बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे आप पॉप की लंबाई थोड़ा कम रखें और यहाँ पे मोटाई भी ज़्यादा नहीं रखनी है, मीडियम में रखनी है। इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद से हम जहाँ तीन डबल क्रोशिया बुना था उसी में हम इसे यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बुन लेंगे। इस तरह से बुनना है, देख सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे फिर दो चैन बुनेंगे और एक यहाँ पे पफ बनाएंगे। पफ को आप गुली भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप एक और हम यहाँ पे गुली बनाएंगे। इसके बाद से हमें इसे ज्वाइन कर देंगे।
इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशिया बुन लेना है। फिर उसी में ज्वाइन करके हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया फिर रेडी कर लेंगे। तो इसी प्रोसेस से दोस्तों हमें सारा डिज़ाइन बनाना है। और ये देखिए कितना इजी तरीके से बहुत ही खूबसूरत तुरंत पट्टी बन के तैयार हो जाती है। तो दोस्तों अगर बुनने के आप भी शौकीन हैं तो इस तरह का तुरंत पट्टी ज़रूर बुने। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये बन के रेडी होगा। और इस तरह आप जितना इस लेंथ में रखना चाहें उस तरह में इसी प्रोसेस से बुनकर आप इसके लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों आजकल मैं पर डे न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।